Hi guys, welcome to SarkariPirika.com. So guys, I'm back with another topic of our read series in the English section. ठीक है? तो आज हम uh, एक नया topic, karenge, which is very very important when it comes to the read exam. ये usually आपके language one ka part. Hota hai. तो अगर आप language one में English choose कर रहे हैं both the papers, level one and level two, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, well prepared होना चाहिए. So to help you out I'll begin with this topic today. That is active and passive voice. ठीक है? English की जब हम बात कर रहे हैं, हम कोई sentence बोल रहे हैं, तो usually हम क्या करते हैं? हम एक subject के बारे में बात कर रहे होते हैं, right? And एक verb होता है, एक काम हो रहा होता है उस sentence में, and एक object होता है, जिस पर उस काम का असर पड़ रहा होता है. This is the usual sequence of our uh, sentence in English language, right? This is called your एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस सिक्वेंस को हम बोल देते हैं एक्टिव वॉइस ठीक है अब हमारे पास ये एक जरिया है बात करने का राइट एक जरिया है बात करने का सो वाई डू वी नीड अनादर वे ठीक है पैसिव वॉइस इज बेसिकली अनादर वे ऑफ सेंग द सेम थिंग सेम चीज को अलग तरीके से बोलने को हम पैसिव वॉइस का नाम दे देते हैं क्यों चाहिए हमें पैसिव वॉइस जब भी हमें एम्फेसिस शिफ्ट करना हो ठीक है वी नीड टू शिफ्ट जो हमारा फोकस है जो हमारा हम इम्पॉर्टेंस देते हैं किसी भी सेंटेंस में दैट इज गिवन टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट राइट क्या कर रहा है सब्जेक्ट कैसा है क्या बोल रहा है क्या खा रहा है क्या चल रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा राइट जब हमें ये फोकस सब्जेक्ट से उठाकर ऑब्जेक्ट को देना होगा ठीक है ऑब्जेक्ट पे फोकस डालना है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो एम्फेसिस को शिफ्ट करना है

एन एक्शन परफॉर्म बाई अ सब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन भी एक्सप्रेस इन टू वेज ओनली एक्टिव एंड पैसिव वॉयिस इन बोथ द वॉय द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स सेम राधर देर आर जस्ट सम स्ट्रक्चरल चेंजेस ओनली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग बदल रहे हैं ऑब्जेक्ट को पहले ले आ रहे हैं सब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं मीनिंग नहीं बदल रहे हैं द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस

ठीक है सो दिस इज द कन्वीनियंट वे ऑफ यू नो गिविंग द एम्फेसिस ऑन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रादर दैन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ओके सो इनडायरेक्ट डायरेक्ट मैनर में सेम इंफॉर्मेशन को कहने को हम पैसिव वॉइस का नाम दे देते हैं पैसिव मतलब पीछे की तरफ से ठीक है थोड़ा सा पीछे की तरफ से थोड़ा सा नॉट एट द फ्रंट ऑफ द एक्शन टेकिंग प्लेस एक्शन टेकिंग प्लेस इज यूजुअली डन बाय द सब्जेक्ट ठीक है तो वो एक्टिव फॉर्म में रहता है पैसे थोड़ा लेड बैक फॉर्म में जहां पर ऑब्जेक्ट uh, पे फोकस है एक्शन और सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है ठीक है सो दिस इज बिकम दिस बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है अब एक्टिव पैसे क्या होता है दिस इज क्लियर फॉर यू पीपल नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां हम चेंजेस कर रहे हैं ठीक है थीके? क्योंकि इस क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके तीन या चार क्वेश्चन डन आते ही हैं रीट के एग्जाम में तो जब जो आप चेंजेस करते हैं ठीक है एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं दैट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो वील स्टडी दो रूल्स वेरी क्विकली एंड अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इन टू वॉइस सो लेट्स हैव अ लुक ठीक है नंबर वन है हमारा चेंजेस बेस्ड ऑन टेंसेस टेंसेस के बेसिस पे तो हम सेंटेंस का टेंस चेक करेंगे पहले कि जो हमारा सेंटेंस है जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किस टेंस में है किस टेंस में लिखा हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसमें चेंजेस करेंगे लुक सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस uh, जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो यूजुअली लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ग ठीक है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ग प्लस हमारा यहाँ पर राइट right? इसको जब हम uh, passive voice में करेंगे तो इट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हाँ यहाँ पर हम इज एम आर का यूज करेंगे सी एक्टिव वॉइस में इज एम आर यूज नहीं है यहां पर हम इज एमआर का यूज करेंगे बेस्ड ऑन वॉट इज दब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यू नो

Passive voice है, सीधे सीधे विदाउट एनी डाउट यूल गो टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है प्लीज मेक इट वेरी वेरी दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो मेक इट अ मार्क इन योर हैड कि अगर पैसिव वॉयस की बात हो रही है अगर हमें किसी भी सेंटेंस को पैसि वॉयस में कन्वर्ट करना है तो बाकी चीजें हम चेक करते रहेंगे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है दैट बिकम्स इम्पेरेटिव ओके आई होप दिस इज क्लियर तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट हमारा सेम चेंज हो जाता है ठीक है जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है और फिर जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है ठीक है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा चेंज होके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है एंड ऑल्सो वी एड इज एम आर ठीक है तो ये चेंजेस हमारे आते हैं बेस्ड ऑन टेंस ठीक है दीज आर चेंजेस ये हमारा एक्टिव वॉइस है कैसे चेंज किया है थर्ड फॉर्म कर दिया है वर्ब का एंड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट इज लगा दिया है सिंस द सब्जेक्ट इज सिंगर अटर तो हमने इज लगा दिया है अगर सब्जेक्ट प्लूगुर होता तो हम आर लगाते आई होता तो एम लगाते यू होता तो आर लगाते आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल लेट्स मूव ऑन प्रेजेंट लेट्स्यूस टेंस नेक्स्ट टेंस जो है हमारा दैट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यहाँ पर भी हम सेम चीज करते हैं वेन वी आर चेंजिंग तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारा सीक्वेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब

ठीक है अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का सीक्वेंस हमारा चेक कीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर हम ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे ये चेक कर लीजिए आप लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव सेम रहेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगा टू शो दैट वी आर चेंजिंग बी ई ई एन ठीक है बी ई एन हमारा एज एन ऑक् होगा यहाँ पर और हम चेंज कर लेंगे पैसिव वॉइस में फॉर एग्जाम्पल शी हेज रिटर्न अ लेटर बिकम्स अटर हैज बीन रिटर्न बाई हजी इनफ सारे चेंज सब चेन्ई है नहीं इसमें सिर्फ आपको बीन लगाना है बीच ठीक है सो यू नीड टू रिमेंबर दीज रूल्स वेरी वेरी केयरफुली ओके आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वन ऑफ टेंसेस जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते वी कैन नॉट चेंज देम पैसिव वॉइस वाई वी कैन नॉट चेंज देम पैसिव वॉइस जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो वो एक कैसा एक्शन शो करता है एन एक्शन दैट बिग्न एट सम पॉइंट इन द स्टिल कंटिन्यूइंग टिल ऑलरेडी जो फोकस ऑफ देंटेंस होता है ना दैट इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट ऑर दब्जेक्ट इट इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दर्क बींग डन ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन टेकिंग प्लेस राइट तो उस ड्यूरेशन को मैंशन करता है ये इसलिए यहां पर हम एम्फिस शिफ्ट नहीं कर पाते ठीक है यूजुअली यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे हम एम्फेसिस शिफ्ट नहीं कर पाते इट वुड साउंड अन और यू नो अनग्रमान ग्रामेटिकली रॉन्ग साउंड करता है ठीक है सो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती यहाँ पर कि हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बिगिन करके देखें लेट मी शो यू शी हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर टेन ईयर्स अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कंपनी एंड आई कैन नॉट चेंज इट इन टू द सब्जेक्ट ठीक है सिमिलरली नो ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट इज्स आई के नॉट चेंज इट इन टू द सब्जेक्ट इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते प्लीज रिमेंबर दिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आपको सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यू केन नॉट चेंज इड द आंसर वुड बी नो चेंजेस ओके आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसे पैसिव वॉइस में इट वुड नॉट भी करेक्ट इट वुड बी अन्यचुरल और ग्रामेटिकली रॉन्ग आई होप दिस इज क्लियर टू यीपल आगे बढ़ते हैं सिंपल पास पर आ जाते हैं, हमने प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है ऑल दें राइट तीन में हम चेंजेस कर सकते हैं उनके रूल्स हमने पढ़ लिए हैं ठीक है चौथे में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं पास्ट टेंस की बात करते हैं सिंपल पास टेंस तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं इजी नफ राइट देन कम्स आर ऑब्जेक्ट समवेयर ओके सो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा आपका वॉज वर सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर था राइट उन्हीं का पास्ट यहां पर हो जाता है वॉज वर बाकी चीजें सेम है पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ये तो रहना ही रहना है ठीक है अगर passive voice की बात कर रहे है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा ठीक है नो मैटर विच टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हम बात कर रहे हो हा सारे टेंसेज में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ओके जो चेंजेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन टेंसेज अगर आपने देखे हो तो वो यूजअली हमारे वेरी जो हो रहे हैं वेरिएशन जो हैं दैट इज़ इन आर मोडल्स और आर ऑग्जिलरीज ठीक है यहाँ पर हमारे चेंजेस आ रहे हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर ठीक है वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म ही रहना है दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर ठीक है चेंजेस यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यूर पीपल तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया वॉज वर लग जाएगा बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा ठीक है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ग लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल शी रोट अ लेटर अ लेटर वॉज रिटन बाय हर ठीक है चेंज आ गया शी रोट अ लेटर बिकम्स

ing ठीक है इसको हम चेंज कर रहे है बिकम्स सब्जेक्ट वाज वर सेम जैसे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगाया था वैसे पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग लग जाएगा एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो सिर्फ बीइंग याद रखना है आप ऐसे याद रख सकते हो जब हम सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑक्सिलरीज लग जा रहे हैं प्रेजेंट है तो इज एम आर पास्ट है तो वाज वर ठीक है अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो बींग लग जा रहा है बीई आई एन जी बाकी सब सेम है सिर्फ बींग लग जा रहा है अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो बीन लगता है बी ई ई एन बाकी सब सेम रहता है ठीक है सो दिस वुड बी इजी इनाफ फॉर यू टू रिमेम्बर ठीक है शी वॉज राइटिंग अ लेटर बिकम्स अ अटर वॉज बींग बाय हर हॉट इट आगे चलते हैं और नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे मैंने बताया अभी आपको सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है सो द ओनली चेंज दैट अकर्स इन पैसिव वॉइस इज यहां पर बीन लग जाता है ठीक है द रेस्ट रिमेंस सेम बाकी सब सेम रहता है बस यहां पर बीन लग जाएगा आपका शी हैड रिटन अ लेटर विल बिकम अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर सी सब चीज में सारे टेंसेज में आप ये देख रहे हो सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है लेटर वो सब्जेक्ट बन जा रहा है और एक एक ऑक्सिलरी कोई उसमें चेंज होता जा रहा है और आपका जो वर्ब का फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल रहता है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल लेट्स मूव ऑन अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस में इट कैन नॉट बी चेंज इन टू वॉइस ठीक है आई यू द रीजन ड्यूरेशन शो करने वाले होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर डिपिक्टिंग राइट वहां पे ऑलरेडी फोकस जो होता है वो ड्यूरेशन पे होता है तो इसलिए हम वहां पर चेंज uh, नहीं कर सकते हैं ओके okay? आगे आता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस ठीक है इजी इनफ ठीक है फ्यूचर सिंपल टेंस में ऑलरेडी जो हमारे पास uh, एक्टिव वॉइस है वी ऑलरेडी हैव एन ऑगजिलरी इन दैट सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में हमारे पास कोई ऑगजिलरी नहीं होता है प्लीज रिमेंबर दिस ओके सिंपल प्रेजेंट में एंड सिंपल पास्ट में हमारे पास कोई भी ऑगजिलरी नहीं था इसलिए हमने वहाँ पर एक ऑगजिलरी इंट्रोड्यूस किया एड वॉज इज ए मार या फिर वॉज वर ठीक है वेर एज अगर हम एक्टिव वॉइस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी होता है एंड दैट इज योर विल और शैल बी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है हम सिंपल फ्यूचर में विल और शैल लगाते हैं ठीक है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आए है या वी है तो वी कैन यूज शैल बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम विल ही यूज करते हैं ओके सो so, इसका एक्टिव वॉइस चेक कीजिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इजी इनफ पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल आपका सेम रहेगा यू कैन नॉट रिमूव विल शैल ठीक है फ्यूचर टेंस है तो विल शैल तो रहेगा ही ओके okay? यहाँ पर इज एम आर का जो फॉर्म होता है बी लग जाएगा बी का ही फॉर्म होता है ना इज एम आर राइट इज एम आर बी का ही प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है ठीक है पास्ट में वी यूज वॉज वर

easy enough let's have a look at the example she will write a letter becomes a letter will be written by her theek hai aage chalte hain future continuous progressive tense again this is one another tense jo change nahi ho sakta it cannot be changed into passive voice why it cannot be changed into passive voice Because जो हमारे future continuous tense में sentences हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अ टास्क दैट विल बी डन एट अ पर्टिक्युलर टाइम इन द फ्यूचर ठीक है तो वहाँ पर टाइम फ्रेम का रेफरेंस जो है टाइम फ्रेम का एम्फेसिस बढ़ जाता है उस टास्क का कोई असर ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ा है अभी तक ना ही पढ़ सकता है बिकॉज दैट टाइम वर्क विल भी डन समलेस इन द फ्यूचर एट अ पर्टिक्युलर ड्यूरेशन यू नो एक गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में होगा ठीक है दैट इज फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस राइट कि इफ आई से आई विल बी शॉपिंग टूमोरो एट टू ओ क्लॉक तो कल दो बजे में शॉपिंग कर रही होंगी राइट तो हमें कल की बात कर रही हूँ एक ऐसे टास्क की बात कर रही हूँ जो कल दो बजे हो रहा होगा ठीक है सो आई कैन नॉट गिव एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट हेयर डेट इज वाई वी के नॉट चेंज दू पैसिव वॉइस ओके प्लीज रिमेंबर दिस कि कौन कौन से टेंस हमारे जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ओके लेट्स मूव ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वी हैव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है सब्जेक्ट हमारा है विल शैल लगता है प्लस हैव लगता है एंड ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है ठीक है तो पैसिव में क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव हाँ, सेम रहेगा इतना दिस रिमीन्स सेम प्लस बीन लग जाएगा जैसे कि आ, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगा था पास परफेक्ट में बीन लगा था वैसे ही यहाँ पर भी हमारा बीन लग जाएगा दी डिफरेंस है इज विल शैल रहता है है है, 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 तो will shall तो रहेगा ही, right? के बिना cannot future tense. So, लग जाता है. बाकी past participle of form of हमारा same रहता ठीक अगर आप सीक्वेंस समझ जाएंगे ना इन रूल्स का कि हम परफेक्ट में बीन लगा रहे हैं बाकी सब सेम रह रहा है हम कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा रहे हैं बाकी सब सेम रह रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में हम uh, Auxiliary डाल रहे हैं बी का इज एम आर वॉज वर्ड या बी एज इट इज तो बाकी सब सेम रहनाफ तो हो जाएगा यू वोट है अगेन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इज नॉट के नॉट बी कन्वर्टेड ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट ही नहीं होता है नो इम्प्लाइम ऑब्जेक्ट सेम रीजन है बिकॉज दिस शो आर ड्यूरेशन राइट

कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया एंड ऑल्सो uh, आपका कौन सा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ठीक है सो so, ये आपके चार टेंसेज है दैट के नॉट बी चेंज ठीक है के नॉट बी चेंज्ड

फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई है तो इट विल बिकम मी ठीक है और ऑब्जेक्ट मी है जब वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में तो इट विल बिकम आई तो टू एंड फ्रो रहता है इनके बीच में ओके यू स्टेज एज यू ठीक है एज ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट दोनों ही वॉइस में वो यू का यू ही रहेगा शी विल बिकम हर एंड हर विल बिकम शी ठीक है ये अगेन टू एंड फ्रो है इसमें भी ही विल बिकम हिम एंड हिम विल बिकम We as subjects and objects interchange. They will become them and them will become they. We will become us and us will become we. Let's have a look at the example. I finished my homework becomes my homework was finished by me. You lost my wallet, my wallet was lost by you. She is learning French, becomes. French is being learned by her. He will cook dinner. Dinner will be cooked by him. They are singing Christmas carols. Christmas carols are being sung by them. We won the match. The match was won, won by us. ठीक है easy enough. This is how you can remember. जो हमारे subject वाले pronouns होते हैं वो object बन जाते हैं object वाले pronouns हमारे subject वाले pronouns बन जाते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपने प्रोनाउंस थोड़े से भी डिटेल में पढ़े हैं तो यू कैन इजिली रिमेंबर दम ओके नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस चीज़ों के बेसिस पे हम पैसिव uh, वॉइस में जो चेंजेस करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम वर्ब एक सेंटेंस में अक्सर क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक ही काम हो रहा है लेकिन दो चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है एक चीज जो होती है यूजली दिस इज अ पर्सन पर्सन आई मीन लिविंग थिंग एंड दिस इज एन इनेट ऑब्जेक्ट ठीक है नॉन लिविंग थिंग या इनेट ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप ठीक है सो दोनों में ही असर पड़ रहा होता है कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा होता है तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसको सब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते हैं ठीक है एंड इसको सब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते ठीक है दोनों ही केसेस में जो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा वो करेक्ट होगा डिफरेंस क्या होता है इफ इट्स अ पर्सन या फिर अ प्रोनाउन तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है दिस विल रिमेन सेम ठीक है इफ दिस इज अ प्रोनाउन तो इसमें वही चेंज आएंगे जो प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं ठीक है प्रोनाउन वाले चेंजेस इफ दिस इज नॉट अ प्रोनाउन अ नाउन इट विल नॉट चेंज ऑल्सो ठीक है ऑब्जेक्ट सेम रहता है वॉट इट फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक माई फादर गेव मी फा रुपीस ठी है सब्जेक्ट क्या है माई फादर अब दो ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट नंबर वन मी ऑब्जेक्ट नंबर टू फाइव रुपीज ठीक है अब हम इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट रख कर पैसे वॉइस में चेंजेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गिविन फाइव रुपीज बाय माई फादर मी क्या बन गया यहाँ पर आई ठीक है आईज आई टोल्ड यू प्रोनाउन वाले चेंजेस हो जाएंगे आई वॉज गिविन फाइव रुपीज रिमेन सेम माई फादर ठीक है अब इसको लेके करें तो कैसे बनेगा फाइव रुपीज व गिविन टू मी ये सब्जेक्ट है हमारा राइट व गिविन टू मी मी रिमेन्स मी बाय माई फादर इजी इनफ ठीक है तो अगर जो हमारा पर्सन वाला ऑब्जेक्ट uh, है दैट इज अ प्रोनाउन तो उसमें प्रोनाउन वाले चेंजेस हम लोग कर देंगे अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे ठीक है दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट विल ऑब्वियसली बी एन एनिमेट ऑब्जेक्ट तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं दोनों को ही हम सब्जेक्ट रख के जब सेंटेंस बना रहे हैं तो वो करेक्ट ही होगा ओके आई होप दिस इज क्लियर टू योर पीपल लेट्स मूव फॉरवर्ड पैसिव ऑफ मोडाल मोडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू दम इन वेरी वेरी डिटेल जब भी हम मोड का ठीक है सो मोडाल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ठीक है है का इतना सा जो आपको याद रखना है दिस वर्क कैन बी डन बाय मी ठीक है इजी इनफ आई होप दिस इज क्लियर टू यूर पीपल यू कैन अ लुक एट द अदर एग्जांपल्स आल्सो टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू ओके ऑन पैसि ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज याद हैं तो यू मस्ट रिमेंबर एक टाइप हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो किसी ऑर्डर या कमांड को बता रहे होते हैं या एडवाइस दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं ठीक है ऑर्डर या कमांड एडवाइस और अ रिक्वेस्ट ठीक है तो यहाँ पर चेंज कितना आता है कि जब हमारा पैसिव में हम चेंज करते हैं तो उसको टू या बी लगाकर करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ पैसिव पैसिट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है लेट्स हैव अ लुक एट एन ओबे योर पेरेंट्स ठीक है यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स ठीक है टू हमने यहाँ लगा दिया एडवाइस दे रहे हैं अगर हम कमांड कर रहे होते तो कमांड लगा देते वहां पे ठीक है सो दिस वर्ड विल बी बेस्ड ऑन वॉट यू आर से हम टू लगाकर इसको चेंज कर लेंगे आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स या फिर डू डस डेड अगर हम लगाते हैं तो ठीक है क्वेश्चन वर्ड जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इट कैन बी अ मोडाल इट कैन ऑल्सो बी ऑर डब्ल्यू एच वर्ड ओके

एंड बाई एंड होम चेंजेस इन टू तो तीन चेंजेस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर होते हैं दैट यू नीड टू रिमेम्बर ओके सो वी आर डन विद ऑल द रूल्स आई होप देर क्लियर टू यू ठीक है आप थोड़ा सा भी उनको ध्यान से पढ़ेंगे या फिर यू नो रिवाइज करेंगे तो दिल बिकम वेरी वेरी क्लियर टू बी पीपल एंड यू कैन इजिली फॉलो दिन दैट इज गिवन ठीक है पैटर्न आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे ओके okay? अब लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल क्वेश्चन सो रीट के एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है उनको हम एक बार देख लेते हैं हाउ डू वी सॉल्व देम ठीक है द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क इज लेट्स चेक बटर इज बीइंग मेड फ्रॉम मिल्क ठीक है फर्स्ट फर्स्ट आपको क्या करना है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट वी सब्जेक्ट एंड बैटर ऑब्जेक्ट ठीक है अंडरस्टंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ले दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है टेंस ऑफ द सेंटेंस वी मेक बैटर फ्रॉम मिल सिंपल प्रेजेंट ठीक है सिंपल प्रेजेंटेंस अब लेट्स चेक ओके बटर इज बींग मेड फ्रॉम मिल्क अब सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते थे सिंपली इज एम आर लगाते हैं राइट इजी इनफ ठीक है तो यहां पर चेक कर लेते हैं किस सेंटेंस में हमारा लग रहा है बटर हमारा सब्जेक्ट बन गया इज लग गया मेड हो गया थर्ड फॉर्म फ्रॉम मिल्क ठीक no right right है नो अदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड हेंस डी इज योर राइट आंसर वाई इज ए नॉट द राइट आंसर इसमें भी इज है बिकॉज लगा हुआ है बींग हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं लगाते हैं बींग हम किस में लगाते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में ठीक है इज इजीनफ पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दे कैरीड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड दे कैरीड क्या है सिंपल पास्ट ठीक है अगेन चेक कर लीजिए किस में लगा हुआ है हमारा ठीक है सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड लगना चाहिए बस ठीक है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉज हमारा सिर्फ इसमें है बी में द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरीड ऑफ द फील्ड बाय देम प्रॉपर सेंटेंस ठीक है बी करेक्ट ठीक है ऐसे आप इजिली टेंसेस के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस बाकी आप चेक कर लीजिए टेंस अगर आप सेम ट यू नो अगर वर्ड दो से तीन सेंटेंस में लगा होता तब आप प्रोनाउंस पे चले जाते कि पे प्रोनाउंस भी करेक्ट लगे हुए हैं या नहीं ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड लेट्स हैव अ लुक द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी नेचुरल डिजास्टर्स विल बी ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी ने मोडाल है तो मोडाल so, का हमने अभी पढ़ा रूल क्या होता है रूल दैट वी जस्ट डिड ओके तो लेट्स लुक कौन सा हमारा सेंटेंस है जो रूल को सेटिस्फाई कर रहा है मेनी नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी कॉज्ड बाई ग्लोबल वार्मिंग इजी इनफ राइट सेकेंडली हमारा कर रहा है फर्स्ट क्यों नहीं कर रहा है बिकॉज उन्होंने कैन को रिप्लेस कर दिया है विद आर मुडाल में हम रिप्लेस नहीं करते हैं हम सिंपली बी प्लस फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं मोडाल तो के आगे राइट right? नेक्स्ट आता है हमारा द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी विल राइट अटर विल बी हमने अभी सारे एग्जाम्पल्स इसी टाइप के कर रह, रहे हैं वाले राइट तो क्या हो जाएगा दिस इज फ्यूचर टेंस राइट सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा नेक्स्ट right? right? आता है आपका द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु विल हेल्प यू बी सी दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड वाला ठीक है इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु का क्या हो जाता है बाय हुम अभी पढ़ा हमने राइट विल हेल्प यू ठीक है हु हेल्प यू बाय हुम हमें चेक करना है सबसे पहले ए आ गया बाकी कुछ चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी फर्स्ट वर्ड का ही चेंज हमने चेक करके बना दिया राइट By होम विल यू बी हेल्प understood विल है तो हमने बी लगा दिया ठीक so, uh, है बड़ा टॉपिक है आई नो लेकिन बहुत ही ईजी है अगर आप एक बार एक सेट पैटर्न को समझ जाए तो और uh, जो रीट में आपके क्वेश्चन आते हैं सेंटेंसेस आते हैं दे आर वेरी बेसिक तो अगर आप इस पैटर्न वाले uh, यू नो रूल्स को पैटर्न में समझ जाए कि कौन से टेंस में हमें क्या वर्ड ऐड करना होता है और सब में हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगाना ही है देन यू कैन ईजिली वेरी इजिली एंड वेरी करेक्टली स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके तीन से चार क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं तो अगर इवन इफ यू आर चूजिंग लैंग्वेज वन में इंग्लिश की मतलब ईजी होगा तो उसमें भी आपका ये टॉपिक आएगा ही आएगा सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी इट इन वेरी वेरी डिटेल सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल ठीक है और आपको अच्छे से समझ आया हो आज हमने क्या पढ़ा है एंड आई होप टू सी यू सून नेक्स्ट टाइम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हैव अ नाइस डे एवरी वन